गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बॉय निकू। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज मुझे जाना है अपने पापा की साइड पे, क्योंकि पापा को अर्जेंटली दूसरी साइड पे जाना है, गुड़गांव। सो मुझे जाना है एक भैया के साथ जिनका नाम है रसीद भैया। वैसे प्यार से मैं उन्हें रखो भाई बुलाता हूँ। एंड सो चलो देखते हैं आज क्या होता है, और जो भी मैं साइड पे करूँगा, जो भी साइड पे हो वो सब आपको दिखाऊँगा। ओके सो मिलते हैं सीधा साइड पे। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी साइड पे, मतलब मेरी नहीं पापा की साइड पे, पर पापा को अर्जेंटली कहीं और जाना पड़ा गुड़गांव साइड, क्योंकि दूसरी साइड पर उन्हें जाना था। और मेरे साथ हैं आज रसीद भैया। वैसे प्यार से मैंने रखो भैया बुलाते हैं। और कैसे भैया? तो आज कहाँ जाना है, मतलब कौन से फ्लोर पर जाना है? सेकेंड फ्लोर। और सेकेंड फ्लोर पर जाए क्या करना है हमें? पंखे लगाने हैं। तो चलो फिर पंखे लगाते हैं आज। सो गाइस पहले हम जाने वाले थे सेकेंड फ्लोर पर, लेकिन सबसे पहले आना था हमें स्टोर में, जो कि हमारा स्टोर रूम यहाँ पे है, और वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो मैं दिखा देता हूँ स्टोर कहाँ पे है। ये वाला स्टोर रूम है जिसकी चाबी रसीद भाई के पास है। वो भी आएंगे और फिर इसका लॉक खोलेंगे और फिर इसमें सामान निकालेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। एंड अभी वो गए सुपरवाइज़र के पास पूछने की, मतलब आज और भी कोई काम बचता है तो वो हमें बताएं, जिसके बाद उसे भी कंप्लीट करें, क्योंकि हमें ये साइड अब फाइनल करनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस साइड को करते करते। पापा को एक साल हो चुका है, जुलाई 2020 में स्टार्ट करी थी और अब ये अगस्त 2021 चल रहा है, तो बहुत टाइम हो चुका है। और मतलब बहुत लंबा टाइम था ये साइड, बिल्कुल मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करिए बिल्कुल। तो अब आ चुके हैं रसीद भाई चाबी लेकर, जो कि अब स्टोर खोलने वाले हैं। तो रसीद भैया कर दो उद्घाटन। तो ये है हमारा स्टोर, और देखते हैं सामान क्या क्या बचा है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तब सामान बहुत था और अब तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका पूरा स्टोर। तो ये है, ये क्या रसीद भैया? लाइट। कौन सी वाली? एलईडी लाइट है ये। एलईडी। और ये पड़ी है ड्रिल मशीन, इसमें बहुत सारी वायर हैं, उलझी पड़ी है सारी। और ये कुछ बचा कुचा सामान, स्विच और सॉकेट्स, और आप देख ही सकते हो कैसा सामान है। तो बस यही हमारा स्टोर रूम, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा। और आगे करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू फिर। तो अभी मैं आ चुका हूँ थर्ड फ्लोर पे, और इनका कंफर्म नहीं हो पा रहा कि अभी कौन से फ्लोर पे जाना है। अभी ले जा रहे हैं मेरे को फोर्थ फ्लोर पे, और ये हैं मेरे हाथ में लाइटें जो ऊपर जाके लगेंगी। तो ऊपर पहुँच के फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं अब फोर्थ फ्लोर पे। किधर हो?
भैया कहाँ पे? तो सेम साइड। ओके आ गए हम मंजिल पे। दैट्स इट। रख दूँ यहीं पे लाइट? रख दूँ? रख दो। ओके सो अब आ चुका हूँ मैं फोर्थ फ्लोर पे और लाइटें मैंने बाहर रख दी हैं और अभी रसीद भैया काम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे पहले प्लान था सेकंड फ्लोर पे जाके पंखे लगाने का, लेकिन अचानक से वो प्लान चेंज कर दिया सुपरवाइजर ने। उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें पहले लाइटें लगानी है, पंखे वंखे का बाद में बताएंगे वो। और एक बात बतानी थी कि वैसे मैं आज इस व्लॉग को कंटिन्यू करने वाला नहीं था, मतलब मेरा बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन रात को मेरे भाई से बात हुई, सनी भाई से। उन्होंने बोला कि तू डेली अगर ऐसे गैप देता रहेगा तो फिर यूट्यूब पे मतलब नहीं चल पाएगा और फिर तेरा फ्लो टूट जाएगा जो भी बनता है। तो ऐसे मेरे को डेली व्लॉगिंग मतलब करते रहना चाहिए। तो आज मैं आया हूँ साइट पे, तो उन्होंने बोला कि इसे भी बना ले अपने तरीके से, तो बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच सनी भैया फॉर हेल्पिंग मी फॉर एवर। एंड साइट पे अभी गर्मी बहुत है, तो रसीद भैया भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी एसी ऑन करेंगे उसके बाद पसीना आने बंद हो जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, और हेडफोन मैंने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि मुझे अभी जो मैंने कल व्लॉग शूट करा था उसकी मुझे एडिटिंग करनी है बैठ के। तो अगर मैं फ़ोन में करूँगा तो फिर मेरे को दिक्कत होगी, तो मतलब जिससे मेरे हेडफोन में साफ़ आवाज़ आए और फिर मैं एडिट कर पाऊँ आराम से। सो दैट्स इट। बाय द वे गाइस, मैंने इस साइट पे स्टार्ट करा था सेप्टेम्बर में आना, और सेप्टेम्बर जब मैं आया था तब इस साइट का माहौल इतना गंदा था, मतलब धूल धक्कड़ इतनी सारी मिट्टी, और ये जो बिल्डिंग अभी बन चुकी है ना इतनी प्रॉपर तरीके से इतनी प्यारी लग रही है, वो इतनी गंदी थी पहले। हर जगह मतलब कूड़ा कचड़ा पड़ा रहता था और जीने कहीं आधे बने थे कहीं नहीं बने थे, और ऐसे ऐसे करके मतलब ये साइट थी पहले। लेकिन अब जब इस साइट पर आता हूँ तो मन भी लगता है आने में, पहले मन नहीं करता था बिल्कुल भी। पहले पापा मेरे को ज़बरदस्ती लेके आते थे, और वैसे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, भैया हैं उन्हें है, पापा को बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें कम से कम 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस काम का आराम से। मेरे पापा ने 15-16 साल में इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट कर दिया था, तो दैट्स वाई ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेरे को तो इतू सा भी नहीं और मेरा मन भी नहीं लगता इस काम में। बस मैं तो एज अ हेल्पर काम करने आ जाता हूँ कभी कभी जब मेरा मन करता है। तो आज मेरा मन भी कर रहा था और पापा ने बोला कि आज इमरजेंसी है, तो मैंने कहा ठीक है पापा चलते हैं। सो दैट्स वाई आई केम हियर एंड नाउ आई एम कंटिन्यू माई व्लॉग। सो मैंने अभी बोला था ना कि इनका अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन से फ्लोर पे काम करना है, तो अभी भी इनका कंफर्म नहीं हुआ। फोर्थ फ्लोर पे आने के बाद भी ये बोल रहे हैं फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो लाइटें तो ले गए वो और उनका बैग ले लिया मैंने, और मेरे हाथ में है ये ग्राइंडर। जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा ग्राइंडर किस काम में आता है। वैसे मैं बता दूँ ये लोहे की जो भी चीज़ें होती है वो हम मतलब हाथों से हथौड़े या छैनी से नहीं काट सकते, वो हम इस ग्राइंडर से काटते हैं। ओके सो इसलिए ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। क्या हुआ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या रह गया? फर्स्ट फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे? वह यार तुम मुझे थका थका के मार दो, वैसे ही बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं लेके आता हूँ। ये ग्राइंडर पकड़ो अपना, और ये आपकी अमानत, आपका बैग। बिल्कुल अजय देवगन लग रहे हो। सो अभी वापस जा रहा हूँ मैं स्टोर में ग्राउंड फ्लोर पे, स्टोर खोल के इंची टेप निकालने के लिए। तो चलो चलते हैं, मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। सो अब मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पे वापस, और अभी खोलना है सबसे पहले स्टोर। ये खुल गया स्टोर, तो ये जल गई लाइट। अब सर्च करेंगे सबसे पहले इंची टेप कहाँ रखा हुआ है।
आई होप कि इस वाले कार्टून में मिल जाएगा। हद हो गई भाई, इंची टेप भी नहीं मिल रहा। इंची टेप है भी या नहीं यहाँ पे? अच्छा, मेरे को रसीद भाई को कॉल करना पड़ेगा और फिर वही बताएंगे कि सच में इंची टेप है या फिर वो मेरे काटने पे तुले हुए हैं। तो अब हम आ चुके हैं फिफ्थ फ्लोर पे फाइनली, जहाँ पे गर्मी नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पंखे चल रहे हैं बहुत तेज़ी से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंखे चल रहे हैं। सो अभी वापस जाना पड़ेगा मेरे को नीचे, क्योंकि मुझे लेके आनी है सीढ़ी जिस पे चढ़ के भैया लगाएंगे लाइटें। तो सबसे पहले जाऊँगा मैं ग्राउंड फ्लोर पे और फिर उसके बाद सर्च करूँगा सीढ़ी कहाँ रखी हुई है। सो चलो चलते हैं, सीढ़ी सर्च करेंगे पहले। सो मैं आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पे वापस एंड सर्च करेंगे यहाँ पे सीढ़ी कहाँ रखी हुई है। यहाँ तो कहीं है नहीं। ओफो, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा मेरे को। फर्स्ट फ्लोर पे इधर कहीं बताई थी, नो यहां पे भी नहीं है। देखते हैं वॉशरूम साइड कहीं रखी हो। बच गया फोन। मैन इसमें रखी है क्या? नो no. इसमें भाई सीढ़ी वीढ़ी है या नहीं साइड पे, या फिर मेरे को डबल मेहनत करके बेसमेंट में जाना पड़ेगा फिर से। वैसे देख रहे हो साइड कितनी प्यारी हो चुकी है, मतलब आप तो पहली बार ही देख रहे हो, तो बस मैं बता रहा हूँ कि प्यारी हो चुकी है ये, पहले बहुत न्यारी थी ये। सबसे अलग ओफो। सो मैंने पूरा फ्लोर छान मारा है फर्स्ट फ्लोर, मेरे को सीढ़ी कहीं नहीं मिली, तो अब मेरे को वापस से बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से या तो अपनी मिल जाएगी तो उठा लेंगे या फिर किसी की चुरानी पड़ेगी। सो चलो करते हैं आज चोरी, देखते हैं कैसे करते हैं चोरी। सो अब आ चुके हैं बेसमेंट में और सर्च करेंगे सीढ़ी। ये कंप्यूटर वाली सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस पर चढ़ने वाली सीढ़ी की बात हो रही है। कहीं आप लोग गलत ले बैठो कि ये सीढ़ी साइड पे कहाँ से मिलेगी इसे, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यस गाइस, मेरे को सीढ़ी मिल चुकी है, अब ये भैया से मांगनी पड़ेगी मेरे को। सॉरी भैया फॉर डिस्टर्बिंग, सीढ़ी लेनी थी भैया मेरे को। सो गाइस मैंने ले लिया सीढ़ी, वैसे चोरी करने आया था, चोरी तो नहीं कर पाया क्योंकि भैया वहाँ मौजूद थे, तो फिर मैंने उनसे मांग ली और बड़े प्यार से भैया ने मेरे को सीढ़ी दे दी। अब मैं इस सीढ़ी को ले जाऊँगा फिफ्थ फ्लोर पे, और वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में सीढ़ी रहेगी और एक हाथ में फ़ोन रहेगा तो फ़ोन गिर भी सकता है, तो मैं रिस्क ले ही लेना चाहता। एंड ऊपर पहुँच के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके
मैंने सोचा कर ही लेता हूँ, बट मेरे को लेफ्ट हैंड का यूज़ करना पड़ रहा है और मैं ये सीढ़ी लेके जा रहा हूँ। देखो कितने प्यार से मैंने रख रखी अपने कंधे पर। मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ और मेरे कंधों पर रखी है तोप, जो अभी थोड़ी देर में चलाने वाला हूँ मैं। फाइनली पहुंच गया मैं फिफ्थ फ्लोर पे वापस। ओह बहुत लंबा सफ़र था। और अभी खोलेंगे पहले ये यमराज के दो दरवाजे। खुल जाओ। इन्हें टिकाने के लिए ना एक बंदा चाहिए होता है, तब जाके कोई दूसरा बंदा एंट्री कर पाएगा। जैसे मैंने अपने अपने पैरों का यूज़ किया। भैया ओ भैया हैं यहीं तो थे। शिट आई थिंक सिक्स फ्लोर पे जाना है। ओ माय गॉड वाओ। एक और रोल दिखाऊं जो मेरे साथ अभी अभी हुआ है। सीढ़ी फिफ्थ फ्लोर पे पड़ी हुई थी और मैं पागलों की तरह बेसमेंट में गया हूँ सीढ़ी लेने के लिए। काश मैंने थोड़ा दिमाग चलाया होता और ये फिफ्थ फ्लोर से उठा ले गया था। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेहनत होगी थोड़ी ज़्यादा। अब चलो फिर चलते हैं सिक्स फ्लोर की तरफ अपनी तोप को उठा के। सिक्स फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ और इधर भी मेरे को वही यमराज के दो दरवाजे खोलने पड़ेंगे विद माय लेग्स एंड फोर्स। खुल जा सिम सिम। यस मैंने खोल लिया और अब मैं आ चुका हूँ सिक्स फ्लोर पे। पता है आपको, पहले मैं फिफ्थ फ्लोर पे गया और फिफ्थ फ्लोर पे जाने के बाद मैंने इस रूम में चेक किया इस वाले में, तो वहाँ पे सीढ़ी ऑलरेडी पड़ी हुई थी और मैं ये उठा के लाया हूँ बेसमेंट से। ये हुआ है मेरे साथ सबसे बड़ा लॉल। ओह गॉड आई एम वेरी वेरी गॉड। अब मैं आराम कर लूँ? वो तो मुझे पता है आराम आराम है, लेकिन थोड़ा तो करने दो। सो मैंने भैया को पकड़ा दी सीढ़ी, अब वो अपना काम स्टार्ट करेंगे और जो भी उनको सामान की ज़रूरत होगी मैं यहाँ से उठा उठा के उन्हें देता रहूँगा। और बाकी जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एडिटिंग जो कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग की है, मतलब जो ब्लॉग आ चुका है उस ब्लॉग की मैं एडिटिंग करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि मेरे पास रात को टाइम नहीं था। रात को मैंने एडिटिंग की थी लेकिन फिर पापा बोले कि 2 बज गए अब कब सोएगा, सुबह जाना भी है, तो फिर मैं सो गया था, इस वजह से एडिटिंग थोड़ी रह गई थी। अब वो मैं अभी कंप्लीट कर लूँगा इस वाले ब्लॉग में।
सो आगे करते हैं कंटिन्यू। सो इस वाले रूम की लाइटें लग चुकी हैं, अब लगानी है नेक्स्ट वाले रूम में जहाँ पे मुझे पहले सीढ़ी लेके जाना है। ये सीढ़ी वाला काम मेरे को पड़ रहा भारी। भैया बिना इंची टेप के कैसे काटी फिर आपने ये? बिना इंची टेप के नाप कैसे लिया इसका? अंदाजे से लाइट दूँ? ठीक है आपको लाइट दे देता हूँ। ये लो पकड़ो लाइट। भैया का टैलेंट देख रहे हो, बिना इंची टेप के एकदम फिक्स काटी है। छोटी पड़ेगी क्या? कोई बात नहीं, थोड़ी और काट लो। अगर ज़्यादा काट दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये वाली टाइल मैंने सिर्फ इसी साइड पे देखी है, बाकी किसी साइड पे ऐसी टाइल मैंने आज तक नहीं देखी। होती हैं इस टाइप की, होती हैं बाकी की इस टाइप की, जिप्सम की बनी होती हैं। अंदर काम स्टार्ट, और जब तक मैं आपको साइड का नज़ारा दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। सो गाइस नज़ारा देखने के लिए तैयार हो? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है कितना प्यारा व्यू लग रहा है, अगर यहाँ पे फोटोशूट करवाया जाए तो अलग ही मज़ा आएगा। बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्डिंग कितनी प्यारी बिल्डिंग है। ऐसे प्लेन भी जाता ना कितना प्यारा लगता है। अभी शायद दिखेगा, कहाँ गया? शायद इस साइड से निकल गया, आई थिंक वो जा रहा है। दिखा होगा या नहीं पता नहीं, नहीं दिखा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा तब दिखाएंगे। बाकी व्यू देखो, व्यू व्यू कितना प्यारा है, एक नंबर। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. खत्म कर लिया, मतलब जो लाइट की कटिंग करनी थी वो उन्होंने कंप्लीट कर ली है, और अब हो चुका है लंच टाइम। तो हम करेंगे अब लंच। दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमें लंच करना है। और भैया मजे आ रहे हैं? लंच खा रहे हैं। लंच खा रहे हैं भैया लंच नहीं खाते, भैया लंच खाते हैं। भैया खाना खाएंगे, लंच नहीं खाएंगे, ठीक है? तो फिर लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो गाइस लंच करने के बाद भैया ने कर दी थी सारी टाइल्स की कटिंग, जिसमें लाइटें लगानी है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको जो लाइटों की भैया ने कटिंग करी है इस टाइप से। अब ये ले जा के मुझे अंदर देनी है वॉशरूम में, जहाँ पे लाइटें लगी हैं। ये लो भैया। पहले लगेगी टाइल। सो लग चुकी है टाइल। लाइट दूं? और टाइल लेके आनी है? ठीक है ये पकड़ो।
एक और ऊपर सो so, मैं लगाने जा रहा हूँ लाइट। ये लगाना मुझे आती है, इसके कनेक्शन मेरे को पापा ने सिखाए थे बहुत पहले। तो इसमें सिंपल क्या करना है, ये जो लाल वाली तार है उसे लाल वाली में जोड़ना है और जो ब्लैक वाली है उसे ब्लैक वाली में, और ऐसे करके इसमें टेप करना है, बस कनेक्शन हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, पहले रखेंगे स्टोर में सामान। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी बाइक पे और फिर चलते हैं घर। ऐसे लग रहा है स्कूल की छुट्टी होगी। सेम ड्रेस। अभी आ चुका हूँ मैं साइड से सीधा वापस अपने घर।
और इट से आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा नहा लेता हूँ और अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ और उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है जो कि मेरा फेवरेट कलर है, और अभी आया मेरे को भाई का कॉल थोड़ी देर पहले क्योंकि मुझे उनके साथ अर्जेंटली कहीं जाना है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा आपको, एंड शेयर कर देना इस वीडियो को अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर। बाय।